हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू आदर्स एकेडमी। माय सेल्फ अर्पणा। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में अपने ज्योग्राफी के नेक्स्ट लेक्चर को कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कर्नाटक का पठार और आंध्र का पठार। अभी तक जो हम कंप्लीट किए हमने उसमें उत्तर पूर्वी पठार को देखा लास्ट वीडियो में, और साथ ही साथ जिसमें हमने मेघालय के पठार को कवर किया, ठीक है, और जिसमें हमने नौकरेक चोटी के बारे में पढ़ा, जो सबसे ऊंची चोटी है मेघालय के पठार का। इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट चीजें हैं वो हम रिपीट करें, ठीक है। और हमने देखा कि दक्कन के पठार के अंतर्गत हमने दक्कन ट्रैप को देखा कि दक्कन ट्रैप में किस प्रकार से विशाल चट्टान पाए जाते हैं, वहाँ पे काली मृदा का विकास हुआ है, वहाँ पे गोदावरी नदी का उद्गम स्थान भी है, साथ ही साथ वहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण आपके पहाड़ी है, जैसे कि सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद इत्यादि पहाड़ियों का विस्तार है वहाँ पे, ठीक है। तो अब जो हम देखेंगे वो कर्नाटक का पठार के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा जो पढ़ेंगे वो आंध्र के पठार के बारे में पढ़ेंगे। दक्कन का पठार के अंतर्गत हम तीन चीजों को देखें, दक्कन ट्रैप, अब देखेंगे आंध्र का पठार, और दूसरा देखेंगे कर्नाटक का पठार, ठीक है। फ्रेंड्स, आप प्लीज नोट्स बनाइए, नोट डाउन सारी चीजें वो कीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हम बहुत मोटिवेट होते हैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स, चलिए अपने शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। कोशिश करेंगे कम समय में जल्दी से जल्दी पूरा करें, ठीक है। चीजों को हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये मत सोचिएगा जल्दी समय कहने का मतलब है कि हम चीजों को छोड़ेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंट सिनॉप्सिस होंगे सभी चीजों को हम देखेंगे। कर्नाटक के पठार के अंतर्गत फ्रेंड्स क्या चीजों को हम छोड़ेंगे, क्या चीजों को देखेंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जब हम कर्नाटक की बात करें, चलिए मैप के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटक जो है किधर है, यहाँ पे है, वेस्टर्न साइड में है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वेस्टर्न साइड में पश्चिमी घाट से सटा हुआ जो क्षेत्र है, ठीक है, जो पर्वतीय क्षेत्र है फ्रेंड्स, इसको जो हम कहते हैं वह है मलनाड, मलनाड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है एग्जाम में कि मलनाड कौन से क्षेत्र को कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। मलनाड जो कहते हैं, सॉरी, यह मलनाड है, मलनाड जो हम क्षेत्र को कहते हैं फ्रेंड्स, वो है कि पश्चिम कर्नाटक का जो क्षेत्र है, कर्नाटक के पठार का जो क्षेत्र है, जो पश्चिम की तरफ लगा हुआ है, जो पश्चिम घाट की तरफ सटा हुआ है, हाँ, वहां का जो पर्वतीय क्षेत्र है फ्रेंड्स, उसी को बोलते हैं मलनाड, ठीक है। और वहीं पे फ्रेंड्स, वही मलनाड वाले क्षेत्र में बाबा बुदानी यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। मतलब पश्चिमी घाट से सटा हुआ जो क्षेत्र है, उस मतलब कर्नाटक का पठार का जो कर्नाटक का वेस्ट पठार का वह क्षेत्र जो पश्चिम की ओर सटा हुआ है, ठीक है, पश्चिम के घाट की तरफ सटा हुआ है, उसे हम मलनाड कहते हैं। और वहीं पे एक पर्वत है, वहां पे एक ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, बाबा बुदान पर्वत, ठीक है फ्रेंड्स। बाबा बुदान पर्वत में कुद्रेमुख नाम का एक सबसे चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। मतलब बाबा बुदान पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका कुद्रेमुख है, ठीक है। पूछ सकते हैं एग्जाम में, कुद्रेमुख जो है बाबा बुदान पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नदियों की, सबसे ऊंची नदी यहाँ पे, सबसे नदी फेमस कौन सी नदी है जो अपवाहित होती है, ठीक है। तो कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती और भीमा यहाँ की सबसे प्रमुख नदियां हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स, यही शरावती नदी पर ही एक जलप्रपात है, ठीक है, मतलब ध्यान रखिएगा, शरावती नदी पर ही एक जलप्रपात है जिसका नाम है जोग या गसोपा जलप्रपात, जिसे हम महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। मतलब कि शरावती नदी पर जो बना गया जलप्रपात है, जिसे जोग, गसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर एग्जाम में मान लीजिए दे देगा गसोपा जलप्रपात किस नदी पर बनी है, तो आपको शरावती बताना है। अगर जोग भी दे दे या महात्मा गांधी जलप्रपात दे दे, तीनों में कोई भी नाम दे दे, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि कोई अलग जलप्रपात है, कोई अलग जगह का है। नो फ्रेंड्स, ये तीनों एक ही का नाम है, ठीक है, ये शरावती नदी पर बना हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको समझाना था मुझे। और फ्रेंड्स, यहीं पे कर्नाटक का एक जिला है, शिमोगा जिला, ठीक है, शिमोगा जिला, जहाँ पे वराही नदी है, ठीक है, बहुत फेमस नदी नहीं है, लेकिन यहीं पे ये नदी फेमस नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो जलप्रपात, इस नदी पर जो जलप्रपात बना है, कुंचिकल जलप्रपात, वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। तो इसीलिए ये नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसी नदी पर बनाया गया है। तो अगर कोई एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आपको बताना है कुंचिकल, और ये किस नदी पर बनाया गया है, ये वराही नदी पर बनाया गया है, और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है फ्रेंड्स, ये है 455 मीटर, ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है 455। चलिए फैक्ट, इतना भी फैक्ट दे देते हैं, 455 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। और जो इम्पोर्टेंट चीज हम देखेंगे वो ये है कि फ्रेंड्स, ये जो पश्चिम की अपेक्षा
पश्चिम का जो ऊंचाई है वो ज्यादा है पूर्वी के अपेक्षा। पूर्व में ऊंचाई जो है कम है, जिसके कारण यहाँ पे मैदानी क्षेत्र ज्यादा पाया जाता है, जहाँ पे बेंगलुरु का पठार है फ्रेंड्स और आपका मैसूर का पठार वहाँ पे है, ठीक है। जिसे हम मतलब कि पश्चिम जो क्षेत्र है वो अत्यधिक ऊंचा है और पूर्व का क्षेत्र जो है वो कम है, वो मैदानी क्षेत्र जिसे हम वहाँ पे उसे मैसूर का पठार भी कहते हैं और बेंगलुरु का पठार भी कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है फ्रेंड की कर्नाटका का पठार में यहाँ पे कौन सा संरचना पाया जाता है जो बताइए, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फ्रेंड कि खनिज संसाधन के लिए कौन सी संरचना का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको ये बताना है, बस हम यहाँ पे ये बता रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे खनिज संपदा से भरपूर है यह क्षेत्र। यहाँ पे लोह अयस्क की प्रचुरता पाई जाती है, बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे लोह अयस्क पाए जाते हैं। आपको वो संरचना का नाम बताना है कि धात्विक खनिज होने के लिए कौन सी संरचना का होना आवश्यक है, ठीक है। किन संरचना के कारण, जैसे वहाँ पे विशाल चट्टान के कारण वहाँ पे काली मिट्टी का बहुत अधिक मात्रा में होती है वहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे कौन सी संरचना के कारण यहाँ पे धात्विक खनिज पाए जाते हैं अधिक से अधिक मात्रा में, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। प्लीज इग्नोर मत कीजिएगा कि एमी चलो कोई बात नहीं नहीं देखें, अगर नहीं पता है तो नेट से सर्च कीजिए, कहीं से भी सर्च कीजिए, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए ये आपका कर्नाटका का पठार हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है आंध्र के पठार। फ्रेंड्स आंध्र के पठार को ही हम बोलते हैं रायलसीमा का पठार या तेलंगाना का पठार, ठीक है। मतलब आंध्र के पठार को ही हम रायलसीमा का पठार या तेलंगाना का पठार कहते हैं, मतलब इसी का नाम दोनों नाम तीनों नाम लगभग सेम है, ठीक है। सॉरी आंध्र के पठार के अंतर्गत ये दो पठार आते हैं, ठीक है, रायलसीमा का पठार या तेलंगाना का पठार, ये दोनों, ठीक है। और इसलिए कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को रायलसीमा का पठार कहते हैं। अब भाई अब कौन सा मतलब इसका विभाजन कैसे किया जाए, क्षेत्र विभाजन कैसे किया जाए कि रायलसीमा का पठार कौन सा है, तेलंगाना का पठार कौन सा है, तो कृष्णा नदी बेसिन वहां पे कृष्णा नदी है फ्रेंड्स, आपको पता होगा। अगर आपने अच्छे से नहीं बताया तो टेंशन मत लीजिए, आगे अपवाद क्षेत्र में अपवाद तंत्र जब हम पढ़ेंगे, नदियों के बारे में जो पढ़ेंगे तो सारी चीजों को हम कवर करेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि भाई कृष्णा नदी बेसिन अभी फिलहाल से समझ लीजिए यहाँ पे कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी का जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र होता है फ्रेंड उसको हम रायलसीमा का पठार कहते हैं, और इसका जो कृष्णा नदी मान लीजिए कृष्णा नदी है, ठीक, ये कृष्णा नदी है, इसका दक्षिण का क्षेत्र रायलसीमा का पठार होगा, ठीक है। इसका उत्तर क्षेत्र जो है वो तेलंगाना का पठार होगा, ठीक है, तेलंगाना, समझ में आ गया। ये आपका कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के दक्षिण में रायलसीमा, उत्तर में तेलंगाना का पठार, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा जो हम समझाने की कोशिश किए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उत्तर की बात करें तेलंगाना, दक्षिण की बात करेंगे तो ये आपका रायलसीमा का पठार। तो फ्रेंड्स ये जो रायलसीमा का पठार है यही पे आपका कुछ पठार है, पहाड़ है जो अवस्थित है, जैसे वेलिकोंडा, पालकोंडा और नल्लामलाई। तो वेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलाई जो है वो रायलसीमा का पठार है जो कि कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है। तो कौन से क्षेत्र में है, दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में है, कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण पठारी क्षेत्र को हम पठारी क्षेत्र में रायलसीमा का पठार है, जहाँ पे ये तीन छोटे छोटे पहाड़ अवस्थित है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, रायलसीमा का पठार कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण में, तेलंगाना का पठार कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में, और रायलसीमा का पठार के अंतर्गत ही वेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलाई जैसे पहाड़ी अवस्थित है, ठीक है। फ्रेंड्स इसमें ये एक्चुअली हुआ क्या था, तेलंगाना के पठार का ऊपरी हिस्सा जो है वो बिल्कुल पठारीय है। हमने रायलसीमा के पठार के बारे में थोड़ा सा देखा एक्सप्लेन करके कि यहाँ पे ये पहाड़ी है, तो तेलंगाना का पठार है फ्रेंड्स, तो तेलंगाना का पठार है उसका ऊपरी हिस्सा जो है वो बहुत पठारी क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती। लेकिन इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है मतलब जो दक्षिण की ओर का जो भाग है वो उपजाऊ भूमि है, मतलब जहाँ पे कृषि पॉसिबल है। तो देखिए तेलंगाना का पठार का ही मतलब एक ही हिस्सा है, लेकिन कितनी भिन्नताएं हैं, जिसका उत्तरी छोर बिल्कुल अनुपजाऊ है, जिसका दक्षिणी छोर जो है वो बिल्कुल उपजाऊ है, जहाँ पे कृषि किया जा सकता है, ठीक है। और फ्रेंड्स कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य में ही कोलेरू झील अवस्थित है, ठीक है। कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन के मध्य मतलब ये दोनों नदियों के मध्य में कोलेरू झील अवस्थित है। कोलेरू झील जो होता है फ्रेंड वो भारत का सबसे बड़ा दलदली झील है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं एशिया की, सॉरी भारत में एशिया की सबसे बड़ी दलदली झील कोलेरू झील। आप पूछ लेगा एग्जाम में कोलेरू झील जो है वो कौन से नदी बेसिन में है, तो आपको बताना है कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य, ठीक है, और ये एशिया की सबसे बड़ी दलदली झील है, ठीक है। तो ये रहा आंध्र के पठार के बारे में फ्रेंड्स। तो आज हमने कर्नाटक के पठार को देखा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखा, बाबा बुदन कुद्रेमुख जो है वो सबसे ऊंची चोटी है हमने ये देखा, नदी के बारे में देखा, ये मत भूलिएगा फुंचीकल, ये बहुत कम
नाम सुने होंगे आप लोग, कुंचिकल जलप्रपात 455 मीटर है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि कर्नाटक में है वाराही नदी पर। ठीक है, ये नदी इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन इस कुंचिकल जलप्रपात के कारण ये नदी इंपॉर्टेंट हो गया है। अब नेक्स्ट जो है वो आपका अंध के पठार है फ्रेंड्स, इसमें हमने देखा कोलेरू झील के बारे में देखा, एशिया की सबसे बड़ी दलदली झील है ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को, क्योंकि हमारे चैनल में बहुत सारे लेटेस्ट अपडेशन लाए जा रहे हैं करंट से रिलेटेड। करंट के सेशन शुरू हुआ है फ्रेंड्स, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ और भी बहुत फीस वीडियो मतलब आपका लाया जा रहा है यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित, यूपी पीसी से संबंधित, यूपीएससी से संबंधित बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारे चैनल में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए वंदे मातरम।